केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं के आरोप पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ी टिप्पणी की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी उस रेस्टोरेंट की मालिक नहीं है और न ही उन्होंने कभी उस रेस्टोरेंट को लेकर किसी लाइसेंस के लिए आवेदन किया। कांग्रेस नेताओं के आरोप निराधार साबित हुए। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि गोवा के उस रेस्टोरेंट और जिस जमीन पर वह बना है वो जमीन ना तो स्मृति ईरानी की है और ना ही वो उनकी बेटी के नाम से है। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बचाव पक्ष के लोगों ने कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर झूठी बातें कही, साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर निजी हमले भी किए। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ऐसा करके स्मृति ईरानी की छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक असली तथ्यों का पता किए बिना आरोप लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया था। आरोप था कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी एक फर्जी लाइसेंस के आधार पर गोवा में बार चलाती हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने इस तरह का आरोप लगाते हुए सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी थी। उनके इस तरह के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तमतमा उठी थी, जिस पर उनकी ओर से भी एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने सीधे सीधे कह डाला था कि वो इस तरह के निराधार आरोपों के लिए कांग्रेस नेताओं को कोर्ट में घसीटेंगी। स्मृति ईरानी ने कहा था कि उनकी बच्ची को सिर्फ इस वजह से बदनाम करने की कोशिश की गई क्योंकि उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 5,000 करोड़ रुपए की लूट को उजागर किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में बार चलाती है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि वह जिस पार्टी से जुड़ी हैं, उनकी बेटी भी बहुत संस्कारी होनी चाहिए, लेकिन वो गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, जिसने 13 महीने पहले मरे हुए एक शख्स के नाम पर फर्जी लाइसेंस हासिल किया है। उन्होंने कहा था कि इसे तुलसी संस्कारी बार नहीं बल्कि सिली सोल बार कहा जाता है। उनका आरोप था कि इस रेस्टोरेंट में एक नाम के तहत 2 लाइसेंस हैं, इसके पास एक रेस्टोरेंट नीति के तहत लाइसेंस भी नहीं है। हालांकि अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से फैसला आने के बाद स्थितियां पूरी तरह से साफ हो गई हैं, साथ ही कांग्रेस के आरोप भी निराधार साबित हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।